गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 8 शरीर में गति भाग 2। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, भाग 1 में हमने पाठ का सारांश जाना। आज हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। शुरू करें बच्चों। बहुचयनात्मक प्रश्न। बच्चों, इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें एक सही विकल्प का चयन करना है और उत्तर ब्रैकेट में लिखना है। प्रश्न 1, पक्षी की उड़ने में मदद करते हैं चोंच, हल्की अस्थियां व पंख, पैर, पेशियां। बच्चों, क्या मदद करते हैं? हल्की अस्थियां व पंख। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे ब। प्रश्न 2, घोंघा चलता है मुंह से पेशीय पात, पूंछ से या कवच द्वारा। सही उत्तर है बच्चों, पेशीय पाद। ब्रैकेट में लिखेंगे ब। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों को दिए गए शब्दों की सहायता से भरें। बच्चों, इस प्रश्न में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। हमें सही शब्द का चयन करना है और रिक्त स्थान भरने हैं। अस्थियों की संधियां शरीर को डैश में सहायता करती हैं। बच्चों, अस्थियों की संधियां गति में सहायता करती हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे गति। ब, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का डैश बनाती हैं, कंकाल तंत्र या पाचन तंत्र। कौन सा तंत्र बनाती हैं बच्चों? कंकाल तंत्र। स, कोहनी की अस्थियां डैश संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। कौन सी संधि द्वारा? हिंज संधि द्वारा। अचल संधि तो हमारे ऊपरी जबड़े एवं मस्तिष्क में पाई जाती हैं। प्रश्न 4, सत्य असत्य कथनों का चयन कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें कुछ कथन दिए गए हैं। अगर ये कथन सही है तो हम सत्य पर निशान लगाएंगे, और अगर गलत है तो असत्य पर।
अ सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है। नहीं बच्चों, सबकी गति एक समान नहीं होती। हम यह असत्य पर निशान लगाएंगे। ब उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। नहीं बच्चों, यह कथन गलत है। उपास्थि नरम होती है। तो हम यहाँ असत्य पर निशान लगाएंगे। स तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है। सत्य पर निशान लगाएंगे। प्रश्न 5, कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम 2 के कथन से कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें दो कॉलम दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम 2 में दिए गए शब्दों से करना है। ऊपरी जबड़ा बच्चों, इनमें हम देख रहे हैं ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है, इसके लिए सही है, तो इसको हम मिला देंगे। मछली, मछली को किससे मिलाएंगे? का शरीर धारा रेखीय होता है, तो इसको इससे मिलाएंगे। घोंघा बहुत धीमी गति से चलता है। तिलचट्टा, इसमें बाह्य कंकाल होता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 6, कंकाल किसे कहते हैं? उत्तर, शरीर के हड्डियों के ढांचे को कंकाल कहते हैं। प्रश्न 7, कंकाल का कार्य बताइए। उत्तर, कंकाल शरीर को आकृति प्रदान करता है। तो प्यारे बच्चों, अब हमने इस अध्याय के प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। अब आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य प्रश्न 1, मानव शरीर की कुछ प्रमुख संधियों के नाम लिखिए। प्रश्न 2, मछली के शरीर की आकृति कैसी होती है? चित्र भी बनाओ। बच्चों, आपको इस प्रश्न के उत्तर में चित्र भी बनाना है। तो प्यारे बच्चों, अब अपना यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। आप इस वीडियो को दोबारा देखना, प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखना और याद भी करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। बाय बाय।